हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने रविवार को जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल रही है। देश भर में बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादातर सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कहीं न कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आ रही है, इसलिए संगठन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद खुफिया एजेंसियों ने राज्य में हिंसा की आशंका जताई थी, इसलिए डीजी रजनीश सेठ से चर्चा कर तत्काल समाधान की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री एवं पुलिस विभाग ने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। इसके चलते राज्य में अब तक कोई हिंसा नहीं हुई है। शर्मा के बयान के बाद अलकायदा से मिली धमकियों के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रविवार को जिला परिषद कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान आई क्लीन नागपुर के स्वयंसेवकों के साथ साथ उनके पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत सफल हुआ। इस एनजीओ के सदस्यों ने सिविल लाइन स्थित जिला परिषद कार्यालय के परिसर और दीवारों को साफ सुथरा और सुशोभित बनाया। हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम आई क्लीन नागपुर कर रही है। दीवारों पर कचरा पृथककरण, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित संदेश लिखे गए थे। स्वच्छता की इस अवधारणा को सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे युवा इस विषय पर प्रेरित हो। इस आशय का आह्वान एनजीओ के संचालक ने किया है। आई क्लीन ग्रुप नागपुर क्षेत्र की सफाई करने और फिर दीवारों को स्वच्छता संबंधित संदेशों और आकर्षक डिजाइन चित्रित करने में माहिर है। जिला परिषद मुख्यालय में सफाई अभियान इस संस्था का 221वां स्वच्छता अभियान है। इस स्वयं सहायता समूह ने 7 साल में कई महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाए हैं। संस्था के पदाधिकारियों का मानना है कि स्वच्छता की आदत हमारे युवाओं एवं बच्चों में कम उम्र से ही डालने की जरूरत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने रविवार सुबह संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भोपाल के मशहूर कलाकार सत्येंद्र सिंह सोलंकी ने संतूर की बेहतरीन प्रस्तुति दी। उन्होंने यह प्रस्तुति पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित भजन सोपुरी को समर्पित किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन खापरी स्थित गौशाला के विश्वस्त अभय गोखले एवं केंद्र के निदेशक दीपक खिरवड़कर की ओर से दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर शशांक दंडे की प्रमुख उपस्थिति रही। सोलंकी ने राग परमेश्वरी से अपना वादन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने द्रुत तीन ताल की बेहतरीन प्रस्तुति दी। उन्होंने राग पहाड़ी में धुन के साथ अपने प्रदर्शन का अंत किया। इस कार्यक्रम को दर्शकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उनके साथ तबले पर रामेंद्र सिंह सोलंकी थे। मंच का संचालन वैशाली देशपांडे ने किया। इस संगीतमय सभा का बड़ी संख्या में दर्शकों ने आनंद लिया। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार व किसान विरोधी नीति के खिलाफ मोदी सरकार को हमेशा घेरने वाली कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस देने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज ईडी कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन किया जाएगा। नागपुर में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन होगा, जिसमें विजय वडेट्टीवार, यशुमती ठाकुर, सुनील केदार, माणिकराव ठाकरे, शिवाजीराव मोघे, चंद्रकांत हांडोरे, कुणाल पाटिल सहित अमरावती व संपूर्ण विदर्भ के सैकड़ों कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। नागपुर में आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर सफल बनाने की अपील शहर अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे ने की है। स्टेशन रोड टेकड़ी फ्लाईओवर तोड़कर 6 लेन रोड बनाने के लिए निधि की मंजूरी के साथ ही पूरा प्रस्ताव तैयार हो चुका है। पुल के नीचे बने कमरों के धारकों का कुछ मसला कोर्ट में अटका होने के कारण कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मनपा, पीडब्ल्यूडी और महामेट्रो के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद न्यायिक गतिरोध खत्म हो जाएगा। इससे इसी माह के अंत तक स्टेशन फ्लाईओवर तोड़ने की कार्यवाही शुरू होने की जानकारी सूत्रों ने दी। बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही मनपा में इन तीनों विभागों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली गई, जिसमें आयुक्त ने स्पष्ट रूप से पुल तोड़ने की दिशा में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में लिए फैसले के अनुसार अब पुल तोड़ने पर मुहर लगाने की जानकारी भी सूत्रों ने दी। सूत्रों के अनुसार मनपा की सभा में 8 सितंबर 2021 को फ्लाईओवर तोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी। इसमें लिए गए फैसले के अनुसार महामेट्रो द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉल में 200 कमरे मनपा को मिलेंगे। अब इन 200 दुकानों के लिए आज एग्रीमेंट किया जाना है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की जीत का मतलब कोई बहुत बड़ा प्रलय नहीं आ गया है।
हमारे सभी साथी हमें छोड़ गए, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन इसका विश्लेषण कर हम कारण जानने का निश्चित ही प्रयास करेंगे। वे एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। चुनाव जीतकर आने के बाद एयरपोर्ट पर राका नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, प्रशांत पवार सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। क्रॉस वोटिंग के संदर्भ में सवाल के जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में शामिल राकापा, कांग्रेस व शिवसेना के किसी भी विधायक ने महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं किया। इस चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को भाजपा प्रत्याशी से पराजय का सामना करना पड़ा है। फिलहाल यह जरूर कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी 4 से 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस दिलचस्प चुनाव में तीनों पार्टी के विधायकों ने पार्टी लाइन के हिसाब से मतदान किया है। इन दिनों सिटी सहित जिले में बिजली ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने वाला गिरोह सक्रिय होने की आशंका है। कुछ दिनों से लोगों के मोबाइल पर बिजली अधिकारी के नाम पर SMS भेजे जा रहे हैं, जिसमें ग्राहकों से कहा जा रहा है कि आपकी बिजली आज रात 8:30 बजे तक काट दी जाएगी, क्योंकि आपकी प्रीवियस बिल अपडेट नहीं है। फिर बिजली अधिकारी का मोबाइल नंबर दिया जा रहा है और तत्काल उस नंबर पर संपर्क करने को कहा जा रहा है। इस तरह के मैसेजों में अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। आशंका है कि किसी ग्राहक ने फोन किया तो उसे बिजली काटने का डर दिखाकर वसूली की जा सकती है। महावितरण प्रबंधन ने अपने ग्राहकों को ऐसे मैसेज से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि इन नंबरों पर संपर्क न करें। यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई SMS व WhatsApp पर महावितरण मैसेज नहीं भेजता। महावितरण केवल उन ग्राहकों को मैसेज भेजता है जिनका मोबाइल पंजीकृत है। बिजली ग्राहकों को ही सिस्टम द्वारा SMS से सूचना दी जाती है और उसका सेंडर ID MSEDCL होता है। COVID-19 और ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि नागपुर जिला एवं मनपा प्रशासन को चिंतित कर रही है। राज्य की उपराजधानी में पिछले 24 घंटों में 40 नए मामले दर्ज किए हैं। इनमें नागपुर शहर में 27 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 3 व्यक्ति कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। कुल मामलों में से 12 मामले नागपुर जिले के ग्रामीण अंचल से सामने आए हैं, जबकि एक मरीज जिले के बाहर का निवासी है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल सकारात्मक मरीजों की संख्या 5,78,071 पहुंच गई है। इनमें से कुल 5,67,547 मरीज कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक उबर चुके हैं। नागपुर जिले में रिकवरी रेट 98.21% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 186 तक पहुंच गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,126 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,18,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 12 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 8,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,12,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर मिली जबरदस्त जीत को लेकर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव मनाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में संपन्न हुए उत्सव में भाजपा के विजय उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे और प्रदेश प्रवक्ता धनंजय महाड़िक का सत्कार पार्टी के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ही केंद्रीय हवाई उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा इस दौरान उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी विधायकों के साथ ही कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक ढोल ताशों की धुन और नारेबाजी में गुलाल उड़ाकर विजय उत्सव मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्यसभा में विजय के पश्चात अभी एक और बड़ी लड़ाई बाकी है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भरपूर सफलता मिलेगी। इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर सरकार लाएगी।
नागपुर सहित विदर्भ में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है। तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। आसमान पर बादल आए तो है, परंतु बिना बरसे ही कुछ समय में कहीं और निकल जाते हैं। कहीं बस हल्की बूंदाबांदी होती है और फिर उमस और बढ़ जाती है। इससे किसान से लेकर सभी हलाकान हो रहे हैं और अब सभी को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। रूठे बादलों को मनाने हेतु शहर कांग्रेस की ओर से विधायक विकास ठाकरे एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उद्योग व व्यापारी सेल के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचक के नेतृत्व में बारिश के लिए हवन एवं पूजा अर्चना कर किसानों एवं सभी की खुशहाली हेतु शीघ्र बारिश आने की कामना की गई। प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचक व आयोजक एवं शहर कांग्रेस महामंत्री रिंकू जैन ने बताया कि इस वर्ष काफी गर्मी पड़ रही है। 7 जून भी निकल गया, परंतु अभी तक मानसून न आने से भीषण गर्मी के कारण पशु पक्षी से लेकर किसान आम नागरिक सभी हलाकान हो रहे हैं। नदी तालाबों कुओं का जल स्तर भी कम होते जा रहा है। गांधी सागर तालाब, सोने का तालाब पूरी तरह सूख गए हैं। प्रदेश में राज्यसभा के दिलचस्प चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाड़ी की जबरदस्त जीत हुई है। प्रदेश महामंत्री तथा नागपुर जिले के पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस जीत पर विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की माइक्रो प्लानिंग की सराहना करते हुए तीनों विजय उम्मीदवारों को मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव कार्यक्रम के दौरान पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। इस अवसर पर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र के प्रभारी अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर भागवत कराट के अलावा केंद्रीय मंत्रीगण तथा प्रदेश के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण मौजूद थे। बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में कई कार्य किए जा रहे हैं। इस विकास को और आगे बढ़ाने में राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्य जरूर मददगार साबित होंगे और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में हमारी पार्टी और सरकार को कामयाबी मिलेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति देशवासियों में दृढ़ विश्वास जागृत होगा। इस आशय के विचार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई में व्यक्त किए। बर्खास्त की गई भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में आक्रोश उभरने के साथ ही पुलिस थानों में FIR दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नागपुर में भी गरीब नवाज खिदमत कमेटी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कलमना थाने में उनके द्वारा मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर FIR दर्ज करवाई है। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष आहद खान, मोहम्मद वसीम, AM खान, मौलाना अब्दुल राजिक रिजवी, मौलाना अबरार रिजवी, मकसूद पटेल, शेख रज्जब, नसीमुद्दीन अब्दुल कासिम, मोहम्मद फिरोज शाह आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देश भर में नूपुर शर्मा के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है तथा रोजाना कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस संदर्भ में नागपुर में भी शिकायत दर्ज की गई है। हाल ही में वार्ड 47 दक्षिण नागपुर में आम आदमी पार्टी दक्षिण नागपुर द्वारा बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर शाहिद जाफरी संयोजक स्वास्थ्य विंग विदर्भ और डॉक्टर मेघा वाकोड़े महिला संयोजक दक्षिण नागपुर, डॉक्टर प्रज्ञा खरे सह संयोजक दक्षिण नागपुर, मनोज डफरे संयोजक दक्षिण नागपुर, प्रणित कड़ू IT हेड साउथ नागपुर, हर्षा सहारे, सुनंदा खरे, सुनीता भिलकर, पावड़े आंटी आदि की उपस्थिति रही। डॉक्टर प्रज्ञा खरे ने उपस्थित बच्चों को बाल संस्कृति का पाठ पढ़ाया। सचिन पारधी सचिव दक्षिण नागपुर एवं विनायक पाटिल वार्ड समन्वयक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उमेश पाटले, दिनेश पाटिल, विनोद काकड़े, नितिन कलासकर, धीरज नागरकर ने शिविर को सफल बनाया। देवांशी ठाकुर, प्रदीप गुजर ने शिविर के सफलतार्थ परिश्रम किए। पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर हजरत बाबा ताजुद्दीन के सजदान शिन सैयद जरबीर ताजी व सैयद तालेफ ताजी ने सक्करदरा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय पाटिल को ज्ञापन दिया है। इस मौके पर सजदान शिन के साथ खुद्दाम दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद मुबिन ताजी, गौसिया मस्जिद के सदर सैयद शहादत अली, आजाद कॉलोनी मस्जिद के सदर शब्बीर खान, आदर्श नगर मस्जिद के पेश इमाम मौलाना जुबैर अहमद, अब्दुल रशीद चिश्ती और मजलिस आवाने पंचतन के सदस्यगण उपस्थित थे। पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े ने नागपुर शहर में 12वीं कॉमर्स में 97.83% लेकर प्रथम आई उर्वी प्रमेंद्र शाह का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आगे के शैक्षणिक सत्र में कोई भी समस्या रहे तो हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। उर्वी पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वाठोड़ा में रहने वाली छात्रा है। इस अवसर पर सेंट पॉल जूनियर कॉलेज के संचालक राजा ताकसांडे भी उपस्थित थे। इस खुशी के मौके पर खोपड़े के साथ मनोज अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, बिट्टू तिवारी, निरंजन धारपुरे, नितेश शर्मा, राजू खुराना, राकेश आगरे, वेणुगोपाल, हेमंत करवा, पुनाराम बावनकुले वगैरह ने भी उर्वी को बधाई दी। पिता प्रमेंद्र शाह, माता डिंपल शाह, बहन अंजलि चंद्रकांत पटेल, हीना पटेल व अन्य परिजन भी उपस्थित थे।
67 वर्षीय नरेंद्र नागरवाला हृदय रोग से पीड़ित थे और कुछ साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। जैसा कि किस्मत में लिखा था, वो स्थायी रूप से गुर्दे की विफलता से भी पीड़ित थे, जिसके लिए उन्हें डायलिसिस पर रखा गया था। स्थायी गुर्दे की विफलता से पीड़ित रोगी को सप्ताह में 2 से 3 बार आजीवन डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। डायलिसिस करने के लिए नागरवाला को हर बार अपने गृहनगर से नागपुर जाना पड़ता था। ये उनके लिए कष्टप्रद था, इसलिए वो डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने अपने डॉक्टरों से डायलिसिस के विकल्प का अनुरोध किया, किडनी ट्रांसप्लांट ही डायलिसिस का एकमात्र विकल्प है, लेकिन दिल की गंभीर समस्याओं के कारण उनका प्रत्यारोपण मुश्किल था। 63 साल की उनकी पत्नी अपने किडनी दान करने के लिए आ गई। आमतौर पर 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को ही किडनी डोनर के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए उनका पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया और उन्हें एक किडनी दान करने के लिए सक्षम पाया गया। इस बीच नागरवाला को सीने में दर्द होने लगा। ये पाया गया कि उनका बाईपास वाहिनी भी अवरुद्ध हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता पाई और नागरवाला अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। श्री दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल द्वारा संचालित एमबी कॉन्वेंट हाई स्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय सेंट्रल एवेन्यू रोड नागपुर के 12वीं कक्षा में विज्ञान व वाणिज्य शाखा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें प्रथम श्रेणी में आए हुए छात्र छात्राएं बेगम अब्दुल कादिर, पटेल मैमुना इकबाल, साहिल जमील शेख, शेख मोहम्मद अहफाज खान, सलमान अकबर, ताकू कुरिल, हैदरी फजीलत, मोहम्मद तारिफ कुरैशी आदि विज्ञान व वाणिज्य शाखा में मेरिट छात्रों का सत्कार किया गया। दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव दीपक गुप्ता, कोषाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, उपाध्यक्ष शीला गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, सह सचिव नंदकिशोर गुप्ता, राजेश गुप्ता, एमबी कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्राचार्य सपना खमेरे, इंचार्ज सुष्मिता गंगवानी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर इन मेधावी छात्रों का स्वागत किया गया। सचिव दीपक गुप्ता ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी इस सफलता का श्रेय एमबी कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्राचार्य सपना खमेरे, हाई स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उनके माता पिता को जाता है। इस अवसर पर दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने सर्वप्रथम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी एवं उनके साथ प्राचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के माता पिता को भी इस सफलता के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्याम कनौजिया ने किया। संविधान की धारा 102 तथा जनता के प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 81 का उल्लंघन किए जाने का हवाला देते हुए एडवोकेट राम खोबरागड़े ने लोकसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसे हाई कोर्ट की ओर से 6 अगस्त 2021 को ही ठुकरा दिया गया था। अब इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए पुनः हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने याचिका में पुख्ता तथ्य न होने का कारण देते हुए अर्जी ठुकरा दी। साथ ही याचिकाकर्ता पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आदेश के 4 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट लीगल सर्विस सब कमेटी के पास उक्त निधि जमा कराना होगा। याचिकाकर्ता एडवोकेट खोबरागड़े ने स्वयं की पैरवी की। याचिकाकर्ता ने याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की विविध धाराओं के अनुसार प्रतिवादियों को भ्रष्ट कार्य प्रणाली के लिए दोषी करार देने का अनुरोध अदालत से किया। यहां तक कि अमित शाह को भी अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।